भ्रष्टाचार का सांप, द स्नेक ऑफ करप्शन। नमस्कार दोस्तों, एक मध्यम वर्गीय इंसान क्या चाहता है? रोटी, कपड़ा और मकान। रोटी और कपड़ा तो वो जैसे भी कमा सकता है और सरवाइव कर सकता है, लेकिन मकान बनाने में पूरे उम्र भर की कमाई लगती है। वो थोड़ा थोड़ा करके जोड़ता है और तब जाकर वो घर की नींव डालता है। और ऐसे में अगर कुछ लालची लोगों के वजह से वो सपने चकनाचूर हो जाते हैं, सपने छोड़िए जिंदगियां तक चकनाचूर हो जाती हैं, तब जवाब क्या मिलता है कि छोटी सी लापरवाही थी। भ्रष्टाचार के इस सांप ने कल रात को ग्रेटर नोएडा में कई घरों के चिराग बुझा दिए। कई लोग अभी तक मलबे में दबे हुए हैं, मलबे को साफ करने का काम चल रहा है, लेकिन इसके असली गुनहगार कौन है इस पर कोई विचार नहीं होगा। आज से पहले भी कई बार पुल गिरे, इमारतें गिरी, पर होता क्या है, दो या तीन दिन का शोक सभा करने के बाद सब अपने अपने घरों को चले जाते हैं, लेकिन जो मेन मुद्दा है, जो जड़ है, भ्रष्टाचार, उस पर कोई ध्यान नहीं देता। ये भ्रष्टाचार का सांप बहुत जल्दी आपके घरों में भी आने वाला है, आपकी नींव भी खोखली होने लगी है। तो मेरी आप सबसे हाथ जोड़ के विनती है कि इस वीडियो को वहां तक पहुंचाए, उस अधिकारी के घर तक पहुंचाए जिसकी कहीं ना कहीं गलती, चाहे वो एक है, दो है, सौ है, दो सौ है, इस इमारत के गिरने पर थी। मैं सभी उन लोगों को जो इस मलबे में दब गए हैं या अभी बचाव कार्य चल रहा है, मैं प्रार्थना करती हूँ कि कुछ लोग सुरक्षित निकलें उसमें से। और मैं ये आम प्रेस की तरफ से कहना चाहती हूँ कि हमें खेद है, हमें दुख है कि आज भी हम लोग दुनिया की नज़रों में कहाँ से कहाँ पहुँच गए, लेकिन एक छोटा सा भ्रष्टाचार हम रोक नहीं पा रहे हैं। मैं शालू दुग्गल, आम प्रेस। इन्वाइटिंग कॉन्टेंट पार्टनर्स। If you want to partner with Arm Press YouTube channel, send in a comment to our website on this story. Your content could be about food, it could be about travel, it could be about current affairs, it could be about a special skill that you have on fitness or whatever you like. But it cannot be about politics. If you're interested, get in touch. Here.